परिधि में, इसलिए लंबाई की जगह हो जाएगा ऊंचाई और
चौड़ाई की जगह हो जाएगा परिधि। इस प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πrh। इसी प्रकार से हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बना हुआ होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वक्राकार भाग का क्षेत्रफल अभी हमने पता किया 2πrh। यहाँ पर हम πr² और πr² में से कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार से सूत्र की उत्पत्ति हो जाएगी 2πr/h। अब बेलन के आयतन की बात करें, प्रश्न आता है बेलना का टंकी में कितना पानी भरा जाएगा, कितनी चीजें आ जाएगा। बहुत लंबे समय तक विचार करने के बड़े बाद ही बनता है। आपसे इसमें मार्गदर्शन आगे नहीं, मेरा क्या है कि ये सब चीज देखते जो नई है उनको पब्लिक डोमेन पे आना चाहिए तो और बनाइए। बच्चों को गणित का चल रहा है तो जोड़ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, खेलते रहते जोड़ते रहते। तो यहाँ
ये मतलब क्रॉस में तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का जो योग आता है तीनों संख्याओं का भी वो योग आता है। तो बच्चे थोड़े जिज्ञासु टाइप के होते हैं और बार बार इसे वो इधर उधर खिसकाएंगे तो जो योग इनका आएगा वो योग इनका आएगा, तो बच्चे का रिवीजन भी होता जाएगा और बच्चे खेल खेल में सीखते भी जाएंगे। और हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है बच्चों को सिखाना, जो किया हुआ है वो भूल नहीं जाए, तो बच्चे आराम से सीखते हैं और खेल खेल में भूलते भी नहीं है। यहाँ से ये अवरोही और आरोही बाकी सम विषम का आप देख ही चुके हैं, तो ये भी बताऊंगा। इसी पर एक ये है छोटा सा वही गेम है, सम संख्या और छोटी बड़ी संख्या का। यहाँ से ये एरो थोड़ा लाइट चलेगी तो दिख नहीं रहा होगा, ये एरो ऐसे बना हुआ है, ऐसे जाती है अंदर ऐसे करके यहाँ पहुंच जाती है। तो हमें खेलना है सम संख्या, यदि इस दिशा में जाएंगे तो हमें सम संख्या पर खेलना है। तो ये दोनों डाइस चलेंगे तो यहाँ पे सम संख्या बनाना, जो दो डाइस आएंगे उसकी जो सम संख्या बनेगी। तो बच्चे को पहले सीख चुका है, ये रिवीजन टेस्ट है, रिवीजन का खेल है, तो बच्चा 12 बनाएगा, जो बंस पे आएगा तो दो चलेगा, एक दो यहाँ पर। फिर उसके बाद जब बच्चा यहाँ तक खेल लेगा तो फिर यहाँ से सबसे छोटी संख्या इन्हीं दोनों डाइस की सहायता से बच्चा चलेगा। ये 36 आया तो इसमें से या मान लो रेसा डाला तो सबसे छोटी संख्या बनाता बच्चा, तो सबसे छोटी 6 आए बस में 6 है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरफ से चलेगा तो बड़ी संख्या। यहाँ से भी सबसे थोड़ी और बड़ी क्लास के बच्चों में हम 3 डाइस का उपयोग कर सकते हैं और बड़ी क्लास में हम 4 बच्चों का इस्तेमाल, सॉरी 4 डाइस का इस्तेमाल। इसी प्रकार जैसे ये घड़ी है तो इसमें भी जैसे समकोण क्या होता है, तो घड़ी के द्वारा सारे घरों में हट्टी घड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि ये जो जब 12 बजते हैं तो या 3 बजते हैं उससे, तो आराम से बच्चा समकोण और नियमकोण अधिक कोण सीख जाएगा। और ये